हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी विद युवराज। आज हम कोसी के लिए जा रहे हैं। कोसी मथुरा से 40 से 45 किलोमीटर दूरी पे है और कोसी में जाने का कारण है कि हमारे कोसी में प्रदीप मिश्रा जी की शिव कथा चल रही है, तो वहाँ हमारी फैमिली जा रही है। हम उनको ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। आज हम वहाँ की सुविधाएँ और कथा के पांडाल और वहाँ के मंच को सारे को हम आपको दिखाने वाले हैं। और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए, ये हमारे साले साहब, इनके साथ आज हम जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं अपनी शॉप पे बैठा था, तो ये लोग आ गए। उन्होंने बोला कि भैया ये चलते हैं वहाँ पे, आज विधि मिश्रा जी की भागवत है। चलिए भैया चलते हैं, बने रहिएगा। अभी हम छाता पहुंच गए हैं। छाता नियर बाई 28 किलोमीटर है मथुरा से, और 15 किलोमीटर और आगे हमें जाना है। वेलकम दोस्तों, अभी हम पांडाल में पहुंच गए हैं अपने प्रदीप मिश्रा जी के में सियोर वाले। ये देखिए बैनर, मैं आपको यहाँ से गेट दिखा। ये देखिए इतने जनसमूह के साथ से महापुराण का आयोजन। जय जय शंभू, जय जय हर हर शंभू। इसी को कार्य काफी इंतजाम है। हाँ जी चलें, चलो लेट्स मूव इट। जय जय शंभू, हर हर शंभू। काफ़ी जनसमूह के साथ से महापुराण का, ये मथुरा के लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पे है। आप आना चाहें तो आज आ सकते हैं। आज चौथा दिन है। प्रदीप मिश्रा जी की से महापुराण को सुनना चाहें तो आप विजिट कीजिए अजीजपुर नियर कोसी मथुरा। एम्बुलेंस की असुविधा, किसी को सफोकेशन वगैरह हो गया है, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? क्या बता, कोई बीमार हुआ है यहाँ पर। एम्बुलेंस के डी मेडिकल कॉलेज की आ रही है, भीड़ के कारण यहाँ दिक्कत आई है। जी तो क्या हो गया था इनको? सफोकेशन के कारण कुछ दिक्कत आई है उनको, भीड़ के कारण। बहुत इतनी जनसमूह है कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ सब भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं लोगों के। पुलिस सहायता केंद्र बूथ बन रहे हैं जगह जगह। अभी पांडाल की दूरी तो काफी दूर है, देखिए। सुविधाओं के नाम पे बहुत सारी यहाँ पर कथा स्थल का नक्शा बना रखा है लोगों ने, और यहाँ कॉटेज बना रखे हैं जो बैठने के लिए रेस्ट रूम टाइप में हैं। वीआईपीज हैं, पुलिस प्रशासन काफ़ी मात्रा में है। यहाँ कम से कम हज़ारों की तादाद में है। कथा कार्यालय ये बना रखा है। एमिनिटीज़ के नाम पे काफ़ी कुछ है। मैं प्रदीप मिश्रा जी की सिर्फ महापुराण में पहली बार विजिट किया है, इससे पहले तो मैंने कहीं भी नहीं गया एक्चुअली। अभी तो हम रास्ते में ही हैं, पांडाल की तरफ जा रहे हैं, मेन कथा पांडाल की तरफ। बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको पांडाल का। ये देखिए काफ़ी बड़ा पांडाल लगा रखा है, जनसमूह कम से कम लाखों की भीड़ है। यहाँ भक्तजन लाखों की तादाद में आए हुए हैं। अभी इतने ही लोग अंदर हैं पांडाल में, इतने ही बाहर हैं। ये देखिए किस तरह से
कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं अभी? मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मैनेजमेंट इतनी इतने लोगों को यहाँ कंट्रोल किया है। पुलिस प्रशासन ने बहुत सारी सहायता की है, पुलिस को धन्यवाद जो पुलिस प्रशासन इतनी तन्मयता से और इतनी शालीनता से यहाँ पे ड्यूटी को अपना निर्वहन कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो उन्होंने स्नान ध्यान किया है, वो अपने कपड़ों को यहीं पर बैरिकेडिंग के पास सुखाने के लिए डाल दिया है। असली प्रवेश द्वार ये VIP कल्चर के साथ देखिए काफी कितना बड़ा जंक्शन है, कितना भयंकर तरीके से पंडाल को आयोजित किया गया है। अपार जन समूह, अभी तक हम मंच के पास पहुंच ही नहीं पाए, इतनी भीड़ है। कितना 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 गुजरेगी जैसे गुजारेंगे, अभी 2 घंटे का समय है सिम महाप्राण शुरू होने में, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी हुई है। बताइए किस तरह मैनेजमेंट होगा पता नहीं। ये देखिए मंच, ये प्रमुखता से यहाँ से शुरू बात है। यहाँ गैदरिंग फुल हो गई है, पार्किंग सारी फुल, अल्टीमेट सब लोगों को हमने बिठा दिया है। स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों का सहयोग और सानिध्य मिला। क्यों रहा, लोगों को बैठा दिया।
हाँ लोग खड़े हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, व्यवस्थाएं बहुत खराब है यहाँ पे। चलो भाई जनता भी बहुत है ना। आप इस तरह के जनसमूह को क्या कहेंगे जो लाखों की तादाद में भगवान महाशिव पुराण की कथा को सुनने के लिए आए मथुरा के अंदर, प्रदीप मिश्रा जी की जो भागवत शिव पुराण चल रहा है उसको सुनने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जनसमूह। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोग, जो गोवर्धन की परिक्रमा चलती है उस तरह से यहाँ पर भीड़ है भाई साहब। जिस तरह देखेंगे उस तरफ भीड़ ही भीड़, जन समूह टोल के टोल चले आ रहे हैं। पता नहीं अब जगह तो पंडाल में है नहीं, इन लोगों को कहाँ बैठाया जाएगा, किस तरह मैनेज किया जाएगा, मुझको नहीं लग सब वहाँ पर समा जाएंगे। बहुत अपार जन समूह, ये देखिए इधर से देखिए और इधर तक पूरे रास्ता में इस तरह की भीड़ चल रही है, तीनों तरफ से भीड़ आ रही है। ओ माई गॉड।